वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ माधव है। माधव 30 साल का है। माधव अपनी पोजीशन जो प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आया, वो इसके जो वर्ड्स थे वो ये था कि इसकी नेक, इसकी बैक क्रैम्प कर जाती है या स्प्रेन कर जाती है, राइट माधव? हाँ जी। और इसको आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से भी समझाया जा सकता है कि आप अगर फील करें कि आप खुले नहीं हुए या आप कोई भी मूवमेंट करते हैं अपर बैक से, हाथों से, नेक से, तो आपको बंधा बंधा फील होता है और कोई भी ज्यादा एक्टिविटी करने पे आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं दर्द तो नहीं बढ़ जाएगा या कोई इंजरी तो नहीं हो जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ मतलब, है ना? तो ये इसको हम स्प्रेन भी बोल सकते हैं, इसको हम पोस्चरल इम्बैलेंसेस भी बोल सकते हैं, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि उस पार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। आप सबको मैं वीडियो दिखा दूंगा किस तरह से माधव की बैक दिखती है। माधव आज फर्स्ट टाइम आया है, ये वीडियो माधव के लिए और बाकी सब लोगों के लिए है जो अपने पोस्चर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किसको और ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो माधव, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने वीडियो मैंने आपको दिखाई है, आपको क्या लगता है कि आप कैसे इसको ज्यादा बेटर कर सकते हैं? और एक और चीज व्यूअर्स, मैंने माधव का पांव का असेसमेंट किया था, उसमें माधव हाई आर्च आया है। हाई आर्च की इंपॉर्टेंस या उसकी इंस्टेबिलिटी क्या होती है वो मैंने इसको बता दी है। सो डेफिनेटली हाई आर्च इज कनेक्टेड टू हिज यू नो फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर और ऑल्टर्ड स्पाइन व्हिच इज बेंडिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना? तो माधव, आपको क्या लगता है कि आप कैसे ठीक हो सकते हो? यानी एक थेरेपी तो है ही जिसमें हम मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, टिश्यूज को रिलीज कर सकते हैं, बट आप हमेशा तो थेरेपी के लिए नहीं आओगे, पूरी लाइफ मेरे पास तो नहीं आओगे कि मैं रगड़ते रहूंगा। यू विल गिव अस 40 डेज और 50 डेज इन अ ईयर एंड यू आर 30, यू नो, इफ यू वुड हैव बीन ओल्डर 60 70 इयर्स वी वुड हैव सेड वी हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर लॉन्गर टाइम, यू नो। यू आर यंग, सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू? I think I found out about chiropractic help watching online videos and stuff like that. So I thought it would be a great idea to come to G2G and see if it helps me to get my posture straight and get my imbalances corrected. So we have today's video and we will compare this in 10 days time. I'll show you significant result in the change of your posture. These are my words. But the question will remain, how would you retain it? By doing what you recommended me to do. Yes. So extensive exercises, you know, pullovers, you know, lying on a bench, taking your hands back with the weight. Mm. So that more of chest expansion happens, more of back tack, flying, or I would say a lot of hand rotations, you know. जब तक हाथों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे जिसमें हाथ पूरा रेंज तक चले, है ना, अगर आप सिर्फ ऐसा चलाओगे तो चेस्ट नहीं खुलेगा, है ना, हाथ को सामने साइड में ऊपर नीचे और रोटेशन सारे चलाने, ताकि आप ये भूल जाओ कि आपके बैक में दिक्कत है, आप ये सोचो कि मुझे अपने चेस्ट को कैसे लंबा करना है, कैसे एक्सपेंड करना है। चेस्ट जैसे एक्सपेंड करोगे बैक की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगी, है ना, ये चीज है। और ये एक शॉर्टकट है, और बट ये बहुत जल्दी से रिजल्ट्स भी दिखाएगा, यानी कि 4 से 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में ये अपने पोस्चर में, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चेंजेस नजर आएगा। अगर यही इसको मैं दूसरे तरह से एडवाइस करता, जैसे कि बाकी लोग एडवाइस करते हैं बैक की एक्सरसाइज करनी है, बराबर, तू एक्सटेंशन करता, कोबरा पोज करता, तो तू अपने बैक को और ज्यादा इंजर करता। तो हम हमेशा जो फिलोसफी यूज करते हैं, जो हर कोई जो एक्सपीरियंस आदमी होता है जानता है कि आपके एंटागोनस मसल है, यानी कि उसके अपोजिट वाले मसल है, आप उसको ही इस्तेमाल करोगे तो पीछे वाले मसल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के बाइसेप्स वीक है, वो वेट नहीं उठा सकता या उठाने से उसको दर्द ज्यादा होता है, वो फियर बेबी होगा ना, तो मैं उसको एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करवाऊंगा। जितनी ज्यादा ट्राइसेप्स करेगा, बाइसेप्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी सिंपली, है ना। तो मैं उस तरह से इसको एडवाइस करूंगा। इसने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं कराया है, मैं लाइफ में कराया कभी एडजस्टमेंट नहीं, तो आज मैं इसको एडजस्टमेंट भी कराऊंगा, मैं भी देखूंगा कितना ये खुलता है। आप सब भी सुनिएगा कि कितनी आवाजें आती हैं, और आप में से भी कोई अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, ज्यादातर हमारे लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिएगा, ताकि हमें
मोटिवेट होते रहें। अगर आप नहीं भी लाइक सब्सक्राइब करेंगे हम तब भी आपको ठूस ठूस के वीडियोस दिखाएंगे। और कोई और क्वेश्चन माधव? थैंक यू। कम कहाँ रहते हो माधव? सब तो जाए अच्छा क्लोज बाय इजी easy no it's not easy oh it's nothing as of now easy let me try this activator because your back is to to wahan jaate hoge kya naam hai wo dhabe ka wahan pe sabzi mein rajendra ka dhaba nahi I'm a vegetarian acha it's a vegetarian Okay. Slight, finally some noises from the thorax. यहाँ से नहीं आई, इस aspect से lower dorsal से जरूर आई है. You okay? Yeah. Turn करेंगे मेरी तरफ. मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ. तो तुम move around करते रहते हो office में या नहीं? बहुत कम. क्यों? Sitting. अपने रूम में कंफर्ट मिलता है? नहीं, कंफर्ट की हद नहीं है, बिकॉज़ लैपटॉप पे काफी काम होता है ना, सो आई कीप ऑन. बट यू हैव टू फाइंड टाइम टू मूव. इजी, रिलैक्स, ब्रीथ आउट. इजी, नाइस. उस तरफ easy okay straight relax oh easy oof go up keep like keep playing up 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 dekh rahe ho changes ये एंगल जो दिखा रहा था है ना ज्यादा अच्छे से देख सकते हो ऐसे इस पोजीशन में ये टांग अंदर की तरफ जा रही है मुड़ रही है ये बोन और ये बोन एक ही लेवल पे होती है शिन टिबिया को अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से ये एंगल ऊपर की तरफ जाना चालू हो गया है आ जाओ बैठ जाएंगे व्यूअर्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है माधव को कोई और कैसा लग रहा है चलो माधव से ही पूछ लेते हैं अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ मतलब there was a cramped up space inside me which has released तो I can breathe much better now I know and हमें ये खोलना बाकी है है ना और जो ये खुला है वो ऐसा है जैसे कि एक नट जो रस्टेड था जब वो खुलता है तो वो कट वाली नाइस फीलिंग नहीं देता इट इज लाइक विद लॉट ऑफ एफर्ट दैट वी डिड सो वी हैव टू मेक दैट स्मूथ आल्सो सो एक चीज की गारंटी आज ये घोड़े बेच के सोने वाला है ना जब भी आपका आप जब थोड़ा सा एक डॉर्सल स्पाइन खुलता है तो बहुत सारा ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में जाना चालू होता है मूड बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहता है भूख बहुत ज्यादा लगेगी कंपेरेटिवली है ना और नींद बहुत अच्छी आती है सो व्यूअर्स आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमारा एफर्ट्स आपको समझ आते हैं हम सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे ही वीडियोस बनाते हैं हम कोई चीज यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे कि किसी को हम 100% ठीक करते हैं या किसी के साथ हम कोई बहुत मार्वलस या मैजिकल जॉब करते हैं हम भी एक साइंटिस्ट हैं हम अपनी स्टोरी आप तक शेयर कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं लाइक माधव और एवरीबडी एल्स हु वॉचेस देयर वीडियो दे कैन कमेंट इवन नाउ और लेटर व्हाट इज देयर रिजल्ट्स और देयर फीलिंग इज इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी टू क्रिटिसाइज मी or to appreciate me with the work that I am doing. Thank you everyone for liking this video. Hindi mein bol deta hoon. Like karein, share karein, subscribe karein. Thank you.